नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जीएमडी खबर। जनपद संबल के कुड़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र निवासी आईटीवीपी के शहीद जवान प्रदीप यादव को आज उनके पैतृक गांव में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जनपद संबल की चंदौसी के कुड़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चितौरा निवासी आईटीवीपी के शहीद जवान प्रदीप यादव को आज उनके पैतृक गांव चितौरा में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि जनपद संबल की चंदौसी के कुड़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चितौरा निवासी प्रदीप यादव आईटीवीपी में जवान थे और इस समय अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर तैनात थे, जहां पर अपने कर्तव्य पालन के दौरान वह वीरगति को प्राप्त हो गए। आज जब उनकी बटालियन, उनके साथी, उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव में लेकर पहुंचे तो वहां पर शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की काफी भीड़ एकत्रित हो गई। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी, जिलाधिकारी संजीव रंजन, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा मौजूद रहे। इस मामले में जिलाधिकारी तंजवनी रंजन ने बताया कि सरकार द्वारा की गई सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जिसमें शहीद के माता पिता को 15 लाख रुपए व पत्नी को 35 लाख रुपए तथा एक परिजन को सरकारी नौकरी की घोषणा की गई है, जिससे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। शासन ने घोषणा की है, सारी घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। इनके 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें इनकी पत्नी को 35 लाख रुपए और 15 लाख रुपए इनके माता पिता को सौंपे जाएंगे। एक नौकरी की बात की गई है, एक नौकरी की प्रक्रिया जल्दी है स्टार्ट हो जाएगी। ये सब जो अंत्येष्टि क्रिया ये सब समाप्त करने के बाद इसमें शुरुआत कर दिया जाएगा। एक सड़क का नामकरण इनके शहीद के नाम से किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।